और मैंने तमहीद का जो वक्त लिया वो इसीलिए लिया कि आप ये ना समझें कि वक्त खराब गुजरा या आपको जहमत हुई। नहीं, वक्त बहुत अच्छा गुजरा, जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ, और इसको ज्यादा से ज्यादा शगफ के साथ, ताल्लुक खातिर के साथ, बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी के साथ इस काम को करने की जरूरत है। ये मेरी तमहीद थी, और जाहिर है मेरी तकरीर तवील नहीं होगी, वो तमहीद के साथ तकरीर भी मुख्तसर है। और वो ये है कि देखो अजीजों, बार बार मेरा आना यहां नहीं होता, लेकिन ये मेरे पैगामात हैं, और जाहिर है कि एक ऐसे वक्त पर यह पैगाम दे रहा हूं जबकि मैं दिल का मरीज हूं। नहीं मालूम आप मुझे फिर सुन भी सकेंगे या नहीं, मगर जो हकायक हैं वो नौजवानों तक उनको पहुंचाना चाहिए। एक बात याद रखो, अकायद को बार बार कुरेद के न देखो, बार बार उधेड़ने की कोशिश न करो, बकियागरी न करो। अकीदा जिस मकाम पर आ चुका है अब रहने दो, अब दलील न ढूंढो, सबूत न ढूंढो, मंतिक से न पहचानो, किसी से ये न जांचने की कोशिश करो कि ये अकीदा सही है कि नहीं है। जिस मकाम पर ईमान पहुंचा हुआ है उस मकाम पे अड़ जाओ। वाँ, 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 वाँ,